हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू सॉल्व क्यूब पार्ट टू। आशा करता हूँ कि आपने फर्स्ट वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक किया होगा, जिससे इस सेकंड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा। तो इस सेकंड पार्ट में हम क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने एक लेयर तैयार किया था और ये फर्स्ट लेयर कम्प्लीट किया था, साथ में ये बीच वाला कलर भी मैच किया था। तो अभी हम सेकेंड लेयर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेकंड लेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें जो फर्स्ट लेयर क्लियर किया हुआ है उसे बेस में लाना होता है, बाद में सेकंड लेयर कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको पूरा रंबल कर देता हूं और फर्स्ट स्टेप जो हमने सीखा था उसे फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ा देता हूं। तो सबसे पहले मैं इस क्यूब को रंबल कर देता हूं कैसे भी करके। तो ये मेरा रंबल हो चुका है। अभी हमने जैसे फर्स्ट वीडियो में देखा था उस तरह से हम इसको वापस लाएंगे। ये पूरा रंबल कर देता हूँ मैं ऐसे, ये रंबल हो गया है। अभी हम इसे फर्स्ट वीडियो में जिस तरह से एक लेयर कंप्लीट किया था उस तरह से कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने ये ब्लू पूरा लेयर कंप्लीट किया हुआ था, तो यहाँ पर ब्लू लेयर हम कंप्लीट कर देंगे। अभी मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ले लेता हूँ। तो अब ये हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुका है, साथ में ये लेयर भी कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ हमें ये लाइन भी मैच हो रही है, तो ये टी शेप हर साइड पर बन रहा है। तो यहाँ तक हमने सीखा हुआ था। अभी फर्स्ट स्टेज जो था वो हमारा ये था, फर्स्ट लेयर कंप्लीट करना। इसी में दो पार्ट आ गए, एक पहला स्टेप जो था वो प्लस के लिए था और दूसरा स्टेज जो था वो चार कॉर्नर सेट करने के लिए थे। तो ये दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। ये सेकंड वीडियो में मैं आपको थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करना है वो सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमें ये जो सेकंड लेयर दिख रहा है इसमें एक ही पैटर्न लानी है, मीन्स यहाँ पर येल्लो कलर है तो यहाँ पर पूरा येल्लो आना चाहिए, यहाँ पर ये रेड है तो ये पूरा रेड आना चाहिए, यहाँ पर वाइट आना चाहिए और यहाँ पर ऑरेंज आना चाहिए। तो ये दोनों लेयर हमें कंप्लीट करने हैं। हमें कंप्लीट करते समय दोनों लेयर कंप्लीट हो जाएंगे तब ये जो है वो बिखरना नहीं चाहिए। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। तो सेकंड लेयर कंप्लीट करने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला समझने से पहले हम अल्फ़ाबेट के लेटर्स को समझ लेते हैं जिनका हमें यूज़ करना है। अगर ये मैं ऊपर वाली साइड को यानी कि अप साइड को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो उसे मैं अप बोलूंगा, यानी कि यू लेटर का यूज़ करूंगा। अगर मैं फ्रंट साइड को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो एफ़ लिखूंगा, यानी ये फ्रंट कहलाएगा। अगर राइट साइड को ऐसे मूव करूंगा ऐसे तो क्लॉकवाइज मूव करूंगा, आर से हम इसको पहचानेंगे। और अगर ये लेफ्ट साइड को ऐसे मूव करूंगा तो ये लेफ्ट होगा, क्लॉकवाइज मूव करूंगा। तो इसी तरह से हम अगर ऊपर की साइड को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसे अप इनवर्स बोलेंगे, और फ्रंट को अगर ऐसे घुमाएंगे तो इसे फ्रंट इनवर्स यानी एफ आई बोलेंगे। अगर राइट साइड को हम ऐसे घुमाएंगे तो आर आई यानी कि राइट इनवर्स बोलेंगे, और लेफ्ट साइड को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो इसे एल आई बोलेंगे, लेफ्ट इनवर्स। तो इसके लिए फॉर्मूला हम ऊपर दिखा रहे हैं जिसे आप देख लो और उसी तरह से आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले सेकंड लेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ जो कलर होता है वो कोई भी साइड एक ले लो, इसका जो सेंटर में जो कलर है वो यहाँ पर मैच होना चाहिए ये लेयर से। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो कलर है वो कलर यहाँ के सेंटर पीस का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का ब्लू कलर जो है वो ब्लू कलर तो हमारा नीचे आ गया, अब यहाँ पर किसी भी जगह पर ब्लू कलर नहीं होगा। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर है तो यहाँ पर पूरा ग्रीन कलर आएगा, यहाँ पर कोई भी ग्रीन कलर होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर है तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी का कोई भी कलर हम मैच करवा सकते हैं। सपोज़ कि यहाँ पर येल्लो है इस साइड पर तो इसको मैं घुमाऊँगा, ये दो लेयर तो हमारे कंप्लीट है, अभी हमको इसको नहीं छेड़ना है, अभी सिर्फ ये ऊपर के लेयर को घुमा के इसके साथ मैच करना है। तो ये पूरी तरह से उल्टा टी हो गया, तो ये येल्लो यहाँ पर मैच हो गया।
अभी हमें क्या करना है कि ये दूसरा लेयर कंप्लीट करना है, उसमें भी ये सेंटर का पीस जो है वो तो ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो कॉर्नर में पीसेस है उसका कलर चेंज होगा। तो वो चेंज कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ये येल्लो कलर यहाँ पर मैच हो गया। तो ये येल्लो कलर वाला पीस कौन सा है हम देखते हैं। यहाँ पर येल्लो कलर है और यहाँ पर ऑरेंज कलर है, तो येल्लो और ऑरेंज। तो हमें इस पीस में सेकंड लेयर में देखना है कि येल्लो और ऑरेंज कहाँ पर है। यहाँ पर येल्लो है और यहाँ पर ऑरेंज है, तो येल्लो और ऑरेंज के बीच में ये पीस आएगा, येल्लो और ऑरेंज वाला। तो इस पीस को हमें यहाँ पर रखना है, जिससे क्या होगा कि ये येल्लो कलर यहाँ पर आ जाएगा और ये जो ऑरेंज कलर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला ऊपर दिखाया है, तो उस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखो। अगर हमें इस पीस को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर लाना है तो सबसे पहले इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ऊपर जो फॉर्मूला दिखाया गया है वो चार चार हिस्से में डिवाइड किया है। पहला चार जो लेटर है वो और दूसरे चार लेटर जो है वो, अगर हमको इस तरफ इसको लाना है तो पहले चार लेटर को हम फॉलो करेंगे। इस तरफ यहाँ पर लाना है येल्लो को, तो अगर इसको येल्लो और रेड के बीच में लाना होता, मीन्स कि यहाँ पर येल्लो और अगर जो यहाँ पर रेड होता तो इसको यहाँ लाना पड़ता, जिससे ये येल्लो यहाँ पर मैच होता और इसका रेड यहाँ पर मैच होता। अगर हमें इसको यहाँ पर लाना होता तो दूसरे जो चार लेटर है उसको हम यूज़ करते, बाद में पहले वाले को यूज़ करते। अभी हमको इसको यहाँ पर लाना है तो हम पहले चार लेटर को यूज़ करेंगे, बाद में दूसरे चार लेटर को यूज़ करेंगे। तो पहले चार लेटर हमारे जिस तरह से है उसी तरह से हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। ये लेयर हमारा ब्लू कंप्लीट है। अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा कहलाएगा अप, सामने की तरफ से अप। ऐसे घुमाएंगे तो ये कहलाएगा राइट, ऐसे घुमाएंगे तो ये कहलाएगा अप। अगर ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये राइट इनवर्स हो जाएगा। ऐसे घुमाएंगे तो ये अप इनवर्स होगा ऐसे। अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये फ्रंट इनवर्स होगा। अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये कौन सा होगा, अप इनवर्स। और अगर इसको हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया फ्रंट को तो ये होगा फ्रंट। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से घुमाया कि जैसे ये लेयर जो है वो बिल्कुल वैसा ही रहा। अभी हम कंप्लीट करते हैं तो बीच वाले कलर को हम मैच करवाते हैं ऊपर के लेयर से। तो यहाँ पर रेड कलर है तो रेड वाले को मैं बीच में ले आता हूँ, ऐसे ऊपर का लेयर सिर्फ घुमाता हूँ ऐसे। तो ये रेड हमारा मैच हो गया, ये कलर को यहाँ पर मैच करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये रेड है और इसके पीछे येल्लो है, तो रेड और येल्लो, तो बीच में सेंटर पीस में रेड और येल्लो कहाँ है वो देखना है। ये रेड है और ये येल्लो है, तो यहाँ पर रेड है और यहाँ पर येल्लो है, तो ये रेड और येल्लो वाले पीस को हमें यहाँ लाना होता है। इसे या तो यहाँ पर ला सकते हैं या तो यहाँ पर ला सकते हैं। अगर इसको हमें यहाँ पर लाना है तो हमें क्यूब को इस तरह से पकड़ना है कि ये फेस हमारी राइट हैंड साइड पर रहे, हमारे नज़र के सामने ये येल्लो रहे, येल्लो पीस रहे, ये जो है वो राइट हैंड साइड पर रहना चाहिए, तो हम इस पीस को यहाँ पर ला सकते हैं। अगर इस पीस को यहाँ पर लाना होता तो हम अपनी नज़र को यहाँ पर रखते, मीन्स कि ये फेस हमारी सामने रहनी चाहिए। अगर यहाँ पर लाना हो तो ये फेस सामने रहनी चाहिए, अगर इसको यहाँ पर लाना है तो इसको राइट में ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे हम पहले राइट में ले जाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पीस को हमें यहाँ पर लाना है। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, इसको यहाँ पर लाना है तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है यू आई, तो अप का इनवर्स, फिर फ्रंट इनवर्स, तो ये फ्रंट को इनवर्स घुमा दिया, फिर वापस अप इनवर्स, तो अप इनवर्स कर दिया, बाद में फ्रंट है तो ये फ्रंट, ये पहले चार लेटर हमने यूज़ कर दिए, अब बाकी के चार लेटर यूज़ करने हैं। तो उसमें क्या है, अप है तो हमने अप क्लॉकवाइज घुमा दिया, राइट है तो राइट वाले को क्लॉकवाइज घुमा दिया, मीन्स आर्क हो गया हमारा, फिर वापस अप है यू है तो उसे हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, और बाद में आर इनवर्स है तो उसको हमने नीचे आर इनवर्स कर दिया, आर को एंटी क्लॉकवाइज, राइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, जिससे हमारा नीचे का लेयर वापस आ गया और ये जो पीस था हमारा येल्लो और रेड का वो भी ये येल्लो और रेड के बीच में आ गया।
अभी हम दूसरा कोई कलर देखते हैं। कलर देखते वक्त हमें ग्रीन वाला जो पीस होता है ऊपर, उसको छेड़ना, उसको देखना नहीं है, बाकी के जो कलर है उसको हम देखते हैं। ये ऑरेंज है और यहाँ पर वाइट है, तो इसको हम ऐसे घुमाते हैं, ये ऑरेंज वाले के साथ मैच करते हैं। देखो तो ये ऑरेंज वाले मैच हो गया, उल्टा टी यहाँ पर रेडी हो गया, ऊपर वाइट कलर है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि ऑरेंज यहाँ पर है और यहाँ पर तो येलो है, तो इसको यहाँ पर नहीं लाना है। यहाँ पर ऑरेंज है और यहाँ पर वाइट है, तो इसको ये ऑरेंज और वाइट के बीच में लाना है। ये ऑरेंज और वाइट है इसलिए इसको ऑरेंज और वाइट के बीच में लाना है, मीन्स कि इसको यहाँ पर लाना है। वापस इसको इस तरफ लाना है, यहाँ पर लाना है, तो इसको हम राइट हैंड साइड पर रख देंगे, इस फेस को नज़र के सामने रखेंगे और फार्मूला अप्लाई करेंगे। अप इनवर्स है, पहला यूआई है तो अप इनवर्स ले लिया, बाद में फ्रंट इनवर्स है तो फ्रंट इनवर्स ले लिया, बाद में वापस अप इनवर्स है तो ये ऊपर का इनवर्स कर दिया, बाद में फ्रंट है तो इसको फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमा दिया। पहले चार लेटर कंप्लीट हो गए, दूसरे चार लेटर में है यू तो अप को हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, बाद में है आर तो राइट को हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, बाद में है अप तो यू को हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, बाद में है राइट इनवर्स तो राइट को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो ये लेयर हमारा वैसा ही रहेगा और यहाँ पर ऑरेंज और वाइट के बीच में ये पीस आ जाएगा। अभी तीसरा कोई पीस हम लेते हैं, सपोज़ कि ये येल्लो है, यहाँ पर ये येल्लो मैच हो गया, तो येल्लो के साथ कौन सा है, ऑरेंज है, तो येल्लो यहाँ पर है और ऑरेंज यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में हमें इसको लाना है, वापस इसको यहाँ पर लाना है, तो इस फेस को हम राइट हैंड साइड पर रखेंगे और फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारा सामने रहेगा, यहाँ पर अप इनवर्स पहला है, बाद में फ्रंट इनवर्स है तो इसको फ्रंट को इनवर्स कर दिया, वापस अप इनवर्स है और फ्रंट है तो फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमा दिया। ये पहले चार लेटर हो गए, दूसरे चार लेटर में क्या है, तो अप है हमने अप घुमा दिया, फिर राइट है तो राइट घुमा दिया, फिर वापस अप है तो अप कर दिया, और राइट इनवर्स है तो राइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, जिससे ये लेयर भी कंप्लीट हो गया और हमारा ये जो पीस था ऑरेंज और येलो वो यहाँ पर आ चुका है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये लेयर कंप्लीट हो गया, ये लेयर कंप्लीट हो गया, ये लेयर कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर एक पीस अभी बाकी है, तो यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, रेड है और यहाँ पर वाइट है, तो रेड और वाइट वाला यहाँ पर आना चाहिए, तो ऊपर ये कहाँ पर है, ये पीस यहाँ पर है, इसे हम मैच करवाते हैं। यहाँ पर तो ये मैच नहीं होता, बीच वाले पीस से ऐसे घुमाते हैं ऊपर वाले को तो ये वाइट के साथ मैच हो जाएगा, तो ये हमारा उल्टा टी हो गया, तो ये वाइट मैच हो रहा है, ऊपर रेड है, तो वाइट और रेड कहाँ पर है, ये वाइट है और ये रेड है, वापस हमें इसे यहाँ पर लाना है, इसे इस तरफ लाना है, तो हम इसे राइट में रखेंगे। अगर इसको यहाँ पर लाना होता तो हम ऐसे ही रखते और दूसरे चार लेटर को पहले यूज़ करते और बाद में पहले चार लेटर को यूज़ करते, लेकिन अभी तो सिंपली हमें इसे यहाँ पर लाना है, तो वापस से वही प्रोसीजर रहेगी, इसको राइट में रखेंगे और फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अप इनवर्स, फ्रंट इनवर्स, अप इनवर्स और फ्रंट, ये चार लेटर हो गए। अभी दूसरे चार लेटर अप, राइट अप और राइट इनवर्स, तो ये पीस भी हमारा रेड रेड और वाइट के बीच में ही, ये पीस रेड और वाइट का आ गया। तो अभी हम यहाँ पर देखें तो ये लेयर तो हमारा कंप्लीट था, वो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर रेड कलर आ गया, ये दो लाइन में वाइट कलर आ गया, ये दो लाइन में ऑरेंज कलर आ गया और ये दो लाइन में येलो कलर आ गया। तो ये हमारा सेकंड वीडियो में पार्ट नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर दिया। अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको थर्ड वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू।